और सानी साहब जानी के साथ सानी, इनका कोई सानी नहीं है। तो ये हमारे पंजाबी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, क्योंकि मेकिंग तब तक सफल नहीं है, तब तक सक्सेसफुल नहीं है जब तक वो ऑडियंस तक सही से पहुंचे ना। तो सानी साहब ने डिस्ट्रीब्यूशन का जो एक नया सिलसिला पंजाब में चलाया, इन्होंने हमें सिखाया कि पिक्चर बना के लोगों तक लेके कैसे जाते हैं, और आज तक भी इनके लेवल तक कोई पंजाब में पहुँच नहीं सका। सानी साहब बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इतना साथ दिया। डिस्ट्रीब्यूशन सबसे बड़ी चीज़ होती है, बैकबोन होती है सिनेमा की। अमरदीप जी हमारे साथी पिक्चर के, ये हमारे क्रिएटिव प्रोड्यूसर हमारे साथ में रहे ये, और राजीव को आप जानते ही हैं, और लास्ट में कैप्टन ऑफ द शिप, ये मेरा भाई भी है। मैं सच्ची बोलता हूँ, इतने शरीफ आदमी और इतने मेहनती आदमी, इनके लिए कई बार मेरी आंखों में पानी आ जाता है। सबसे मैं सही बोल रहा हूँ, मैं इतना ख़राब दौर देखा इसी शहर में, मैं बात बता दूँ मेरा दिल करता है बताने में है। मतलब हमारे इंडस्ट्री का आमिर साहब ये सबसे टैलेंटेड डायरेक्टर कॉमेडी में एक ही है हमारे पास, सबसे नहीं मैं कहूँगा टैलेंटेड, कॉमेडी में डायरेक्टर ही एक है हमारे पास। तो कॉमेडी फिल्म बनानी हो तो लोग एक एक साल इनका वेट करते हैं कि इनके पास अगर टाइम हो तो इनके साथ ही बनाएंगे। लेकिन आमिर साहब एक वक्त था, ये मेरा भाई उस दौर से भी गुजरा है, पिक्चरें बनाने, एक पिक्चर सबसे हिट बनाने के बाद भी जोगेश्वरी स्टेशन के बाहर इनको एक छोटी सी वड़ा पाव की दुकान भी खोलनी पड़ी, उसका नाम था छोटी बाइक्स। उस दौर से निकल के बंदे ने जैसे बाउंस बैक किया, ये सिर्फ मेकिंग का एग्जाम्पल नहीं है, बाउंस बैक करने का भी एग्जाम्पल है। समीप साहब, वी आर प्राउड ऑफ यू। समीप कंग हमारी पंजाबी इंडस्ट्री के सबसे बड़े डायरेक्टर, तो इतनी सक्सेसफुल पिक्चरें इन्होंने दी हैं। तो मेरी ये टीम है, मुझे मेरी ये फैमिली, मुझे इन पर बहुत फख्र होता है। तो आज आप सब ने हमारा जो साथ दिया, और फिर से मैं कहूँगा कि आमिर साहब के आने से हम और बड़े हो गए। तो ट्रेलर आपने देखा है, अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो ज़रूर हमारे लिए दो अच्छी बातें आप कर देना। हम चाहते हैं कि हम भी आगे बढ़ें और पंजाबी सिनेमा देश की पहचान बने। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब आप लोग ने ट्रेलर भी देखा है और आप लोग आए हैं, तो कोई सवाल हो, पूरी टीम है, किसी को भी करना हो। क्या रिएक्शन था जब मैं हम बात आमिर साहब की करते हैं, आमिर साहब को कहीं बुलाना मुझे लगता है बहुत ही मुश्किल टास्क है, जब तक वो खुद मुतमइन नहीं होते किसी चीज़ से कि भाई मुझे अच्छा लग रहा है तो ही मैं हिस्सा बनूंगा। जब आपने उन्हें अप्रोच किया, हेलो दिस नाउ द ऑडियो स्टार्टेड, जैसे कई बार बुगी बाजी ने कहा कि धरोहर है, हम सब मानते हैं जितने भी लोग इस वक्त इस सिनेमा घर में बैठे हैं कि ये वाकई में हिंदुस्तान का एसेट है, धरोहर हैं। व्हाट वाज हिज रिएक्शन कि आप आइए और ट्रेलर लॉन्च करिए, क्या कहा? जैसे मैंने कहा कि जल्दी राजी नहीं होते हैं हर चीज के। अच्छा, क्या ये फॉल्स चीजें फैला रहा है मेरे? एक्चुअली मैं जेन्युइनली बताऊं कि जब मैंने बताया भी अपनी टीम को, पीयर वालों को, कि आमिर भाई आएंगे, तो उन्होंने वापस जाके मेरे मैनेजर विनोद जी को कंफर्म किया कि आप कंफर्म कर लीजिए, हम मीडिया को अपडेट नहीं करेंगे कि वो नहीं आएंगे। विनोद जी मुझे बोलते कि भी सर आएंगे, मैं कहा हाँ, कहता वो बोल रहे हैं कि नहीं आएंगे, मैं कहा उनकी बात हुई है या मेरी बात हुई है? मतलब सीरियसली मैं बताऊँ, मैंने उनको एक मैसेज ड्रॉप किया, एंड मैं उस टाइम छुट्टियों पर था मैक्सिको, तो इन्होंने मुझे कॉल किया कि मैं कहते अभी इज दिस अ राइट टाइम टू कॉल, मैं कहा हाँ जी पाजी, तो तभी इनका कॉल आया, कहते हाँ बता कब करना है, मैं कहा पाजी ऐसे ऐसे आप बताओ कौन सी डेट है, इन्होंने बोला कि तू बता कौन सी डेट है, जिस डेट को बोलेगा कर लेंगे। और जेन्युइनली मैंने अपनी टीम को बताया कि पाजी आएंगे, वी आर सो हैप्पी, और बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं था कि क्योंकि जिस आमिर को मैं जानता हूँ शायद आप पता नहीं तो किसी और को जानते हैं, मतलब मेरे साथ तो जब से है मतलब कभी भी ऐसा नहीं हुआ, और पंजाब आते हैं जब हमारे घर आते हैं वहाँ बैठते हैं, क्योंकि मैं इनको, मेरे लिए ये बड़े भाई हैं, मतलब हमने इनको बचपन से देखा है पिक्चरों में, बहुत सी चीज़ें सीखी हैं, और सबसे ज़्यादा जो चीज़ें सीखी हैं वो मतलब मैंने फिल्मों में इनसे नहीं सीखा, इनको जब मिलता हूँ इनसे बात करता हूँ तो तब मुझे पता चलता है कि ज़िंदगी क्या है, कैसे रहना चाहिए। क्योंकि स्टार, जैसे कुकी बाजी ने बोला कि कोई भी आर्टिस्ट बन जाता है, इतना हम्बल मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई बंदा नहीं देखा इतने बाजी। और सर वैसे गिप्पी जी ने बताया था कि इनका रिएक्शन तो पता नहीं क्या था, लेकिन इनकी फैमिली का रिएक्शन जरूर था आमिर भाई की, बोले ट्रेलर लॉन्च पे आ तो अपने पे नहीं जाते तो किसी के। आमिर सर वांटेड टू से समथिंग, बट आई हैव टू से दैट
यिप्पी इज लाइक फैमिली, वो परिवार की तरह है. तो उसका एक मैसेज आया और मैंने बोला डेट बता दो यार, मैं कब आना है मुझे बस. आपको खुद पर्सनली ट्रेलर कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा. एक्चुअली मैं फिल्में बहुत कम देखता हूँ, इत्तेफाक की बात है, मतलब मैं किताबें ज़्यादा पढ़ता हूँ. तो मैंने ना कैरी ऑन चैप्टर 1 देखी ना 2 देखी, लेकिन अभी जब मैंने ट्रेलर देखा तो मैंने फॉरन ट्रेलर जब फर्स्ट टाइम कंप्लीट हुआ, मैंने उसको पता है नाउ आई नो कि 1 और 2 क्यों इतनी हिट हुई, क्योंकि इतना एंटरटेनमेंट मुझे मिला इस यू नो 2.5-3 मिनट के ट्रेलर में. इट वॉज सो एंटरटेनिंग दैट आई फेल्ट कि मुझे देखनी है फिल्म. तो आई थिंक ये फिल्म यकीनन बहुत कामयाब होगी, और ये बहुत अच्छी बात है कि ऐसी एंटरटेनिंग फिल्म के साथ आप एक ऑल इंडिया अटेम्प्ट कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन में, कि ये पंजाबी फिल्म जो है वो देश भर में लोग देखें. और मैं देश भर के सारे लोगों से कहूँगा कि प्लीज़ ये फिल्म जो है आप देखिए, बहुत ही एंटरटेन करेगी आपको. दिस इज़ अ सुपर हिट सीरीज एंड आई थिंक दैट इट इज़ टाइम फॉर पंजाबी सिनेमा टू गिव एन अपॉर्चुनिटी, एंड वी शुड ऑल कम फॉरवर्ड टू गिव दैट अपॉर्चुनिटी टू पंजाबी सिनेमा. हेलो गिबी जी, आपसे मेरा सर एक बात, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता था कि सर रियली इतने हम्बल हैं जैसे इन्होंने बताया गिप्पी जी ने, कि इनसे मुतासर होकर उन्होंने अपनी म्यूजिक कंपनी का नाम भी हम्बल म्यूजिक रखा है. गिप्पी सर, जब कैरी ऑन जट्टा 2 आई तो उसने जहां तक मेरी जानकारी है जी, दिल्ली पंजाब से ज्यादा दिल्ली में बिजनेस किया जी. क्या आपको लगता है कि सबटाइटल तो आप दे रहे हैं कि हिंदी में भी डब करना चाहिए, लोग तो जानते ही हैं आपको हर जगह? नहीं, ऐसे है कि हाँ, बट अभी कोई प्लान नहीं है. सो फिलहाल हम इसको पैन इंडिया विद सबटाइटल ही रिलीज़ कर रहे हैं, तो बाद में देखेंगे कि इसको डब करना है कि नहीं. क्योंकि मैं अभी बाजी से बात कर रहा था, मैं क्या, मैंने कैरी ऑन जट्टा 2 शायद नेटफ्लिक्स पे हिंदी में देखी, वो थोड़ी सी देखी मैंने, तो मुझे लगा कि ये क्या हो गया, मतलब वो हमने डब नहीं की थी. तो मतलब वहाँ पे जैसे यहाँ डब होती हैं फिल्में, तो वो सारे पंचेज ही चेंज हो गए. तो मैंने नरेश जी को बोला हुआ है कि इसको प्रॉपरली आप हिंदी में सेट करो, कि सारे आर्टिस्ट हम खुद ही इसको हिंदी में बाद में डब कर लेंगे फॉर OTT प्लेटफॉर्म्स राइट नाउ, अदरवाइज नहीं अभी सिनेमा में कोई वो. बट डेफिनेटली डबिंग से हेल्प होता है बिकॉज एज एन ऑडियंस, लेकिन अच्छी होनी चाहिए, जैसे जैसे आपके मन की हो, जैसे राइटर के मन की हो. बिल्कुल, डबिंग से रीच बढ़ जाती है, रीच बढ़ जाती है, क्योंकि अदरवाइज तो नहीं, तो जो 2 आप अगर हिंदी में देखना चाहते हो वहाँ पे मत देखना, वो रीच घट जाएगी हमारी. हाँ, वो ओरिजिनल लैंग्वेज में देखना. हाँ, डबिंग सही हो और सबटाइटल सही होना चाहिए. कपिल सर, गुड टू सी यू. आप भी एकदम हमारे लिए सरप्राइज थे, हमें तो इल्म नहीं था. पहले तो लोग आमिर साहब के लिए नहीं मान रहे थे, फिर अचानक आप भी आ गए. क्या कहना चाहेंगे टीम के बारे में, और क्या आपने ये बाकी की सीरीज फ्रेंचाइजीज है, ये बाकी की 2 फिल्में देखी हैं कैरी ऑन 1-2? मैं बहुत आज खुश हूँ कि आज यहाँ पर ट्रेलर लॉन्च हो रहा है. सारी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद, और सो गुड टू सी आमिर भाई कि आप पंजाबी सिनेमा. अरे मैं एक चीज़ बोलना चाह रहा हूँ कपिल के बारे में. मैं एक्चुअली इसको 2-3 दिन पहले फ़ोन करके मैंने उसको बोला, 2 हफ्ते हो गए 3 हफ्ते हो गए जी. एक्चुअली मैं आजकल काम वाम कम कर रहा हूँ, फैमिली के साथ ज़्यादा हूँ, तो शाम को मैं कुछ ना कुछ कॉमेडी, मुझे बहुत पसंद है देखना, तो हर रात को मैं कुछ ना कुछ देखता हूँ सोने से पहले. तो पिछले कई महीनों से मैं कपिल का शो देखता हूँ बहुत, और मैं इतना बड़ा फ़ैन हो गया हूँ इनका. तो मैं, मतलब आपने देखा होगा, सबसे ज़्यादा मैं मुस्कुरा रहा था जब वो आए. लव यू, लव यू आमिर भाई. आपने अब तो इतने मेरी इतनी शामों को इन्होंने रंगीन बनाया है, तो इतना हंसा हूँ मैं, इतना एंटरटेन हुआ हूँ. तो मैंने कुछ 1-2 हफ्ते पहले मैंने फ़ोन करके बोला कपिल जी से कि थैंक यू सो मच, आप इतना एंटरटेन करते हैं लोगों को, ये इतना बड़ा काम है लोगों का दिल बहलाना. सो आई एम सो हैप्पी टू सी यू हियर एंड आई एम वन ऑफ योर बिगेस्ट फैंस कपिल. थैंक यू आमिर भाई. और आपने मुझे कभी शो पे नहीं बुलाया, ये यार ये गलत बात है. देखो इससे पहले कि वो पूछे मैं ही बोल देता हूँ. भाई आप आए से एक कदम आगे हूँ मैं. हमारा सौभाग्य होगा जिस दिन आप आओगे. और मैंने बहुत बार जब भी आमिर भाई से कभी मुलाकात हुई, हमेशा भीड़ भाड़ में हुई, तो मैंने बहुत बार रिक्वेस्ट भी किया आमिर भाई को, तो बोलते ठीक है मैं अभी कहीं जा रहा हूँ, वापस आके बात करते हैं, कट उसी 3 साल बाद मिलते हैं. सो आप आएंगे तो मैं 100% आऊँगा. लेकिन मैं एक और चीज़ बोलता हूँ, आप क्या है मेरी रिलीज के टाइम पे आप मुझे बुलाते हैं. नहीं नहीं नहीं, उसके लिए मुझे रिलीज के लिए नहीं आना है, मुझे आप अलग से एंटरटेनमेंट के लिए बोला. डेफिनेटली डेफिनेटली आमिर भाई. और आप सब देख ही रहे हैं कि इनका ह्यूमर कितना मज़ेदार है. जब आमिर भाई आएंगे तो बड़ा मज़ा आएगा. खैर आज मैं इस फिल्म की बात कर रहा हूँ, तो बहुत बहुत मुबारक सारी टीम को. और क्योंकि ये टीम मेरे लिए बहुत खास है, मेरे परिवार की तरह है. और कुकी पाजी मेरे टीचर रहे हैं कॉलेज के टाइम से, जब हम लोग थिएटर करते थे तो मैंने इनसे सीखा है. पल्ला साहब, इनको हम लोग सुनते रहे हैं ऑडियो कैसेट और ये सब. और गिप्पी पाजी भाई हैं, समीप पाजी, उनके उनके लिए मेरे मन में बहुत रिस्पेक्ट है. जैसे कुकी पाजी ने कहा कि किस तरीके से उन्होंने अपनी लाइफ में यू नो बहुत सारी चीज़ें देखी हैं. हर आर्टिस्ट की शायद हिस्ट्री में ऐसा होता है.
और मुझे बड़ी खुशी है कि आज आप इतनी अच्छी अच्छी फिल्में बना रहे हैं। और मैंने कैरी ऑन जट्टा फर्स्ट जो थी रिलीज से पहले देखी थी, जब समीप पाजी ने, किबी पाजी ने यहाँ पे प्रीमियर रखा था, तो मैंने फिल्म देख के बोला, मैंने कहा आपकी फिल्म बड़ी सुपर डुपर हिट है जी, पहली बार आपको याद होगा समीप पाजी। और ऑब्वियसली फिर दुनिया ने इतना प्यार दिया और अभी ये इस फ्रेंचाइज का तीसरा पार्ट जो है आ रहा है, और मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं और बस थैंक यू सो मच, आप इसको और लोगों तक पहुंचाएं और बताएं लोगों को, ताकि जैसे पाजी ने पहले कहा कि हम लोग पहले ना बड़ी सारी ऐसी बातें होती हैं जिनको शायद, जैसे कोई बोलता है कि अच्छा ये साउथ का सिनेमा आ रहा है या पंजाबी का सिनेमा, जब हमारी कोई रीजनल सिनेमा से जाके फॉर एग्जांपल जैसे आरआरआर अगर ऑस्कर में जाती है तब हम कहते हैं हमारी इंडियन मूवी है। सच्चाई ये है कि हिंदुस्तान में जो भी फिल्म बन रही है वो हिंदुस्तानी मूवी है। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारी इतनी डाइवर्सिटी है हमारी कंट्री में, इतनी सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, और जो भी क्रिएटिव आदमी होता है, कोई अच्छा राइटर, कोई अच्छा डायरेक्टर, कोई अच्छा एक्टर, वो कहीं किसी भी जगह पैदा हो सकता है। हमारे देश पे तो ऊपर वाले का इतना हाथ है, सो इतना टैलेंट है, और मुझे लगता है कि अच्छा सिनेमा है वो जो हमेशा ही उसको प्रमोट होना चाहिए। और इसके लिए मैं एक बार फिर से आमिर भाई आपको थैंक्स कहना चाहूँगा कि आप इस फिल्म के लिए आगे आए, और बाकी बस बाकी आप लोगों के हाथ में है। आमिर सर, हाय, स्टेज इज फ्रंट ऑफ यू। हाय आमिर, दिस इज रवि। हाय, रसल फ्रॉम पीटीआई। आपसे ये सवाल है कि एक टाइम था बॉलीवुड के बड़े बड़े जाने माने स्टार जैसे पृथ्वीराज कपूर साहब, उन्होंने पंजाबी फिल्म की थी, उस टाइम की सबसे बड़ी हिट फिल्म थी आई थिंक सो नानक नाम जहाज है, और उसके बाद धर्मेंद्र साहब, शत्रुघ्न सिन्हा साहब ने भी पंजाबी फिल्में की, लेकिन उसके बाद बॉलीवुड के जाने माने नो ए लिस्टर्स, बिग स्टार्स, हम उनको पंजाबी सिनेमा में ना तो देखते और हेडलाइन तो डेफिनेटली नहीं।